अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेसी वाइब और मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। कनाडा टूरिस्ट वीजा का आज है सेशन नंबर 72, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो पहला क्वेश्चन है जेनिफर सदीकी का। हाशिम भाई, मैंने वेब फॉर्म भी रेज कर दिया है बट अभी भी कोई आंसर नहीं आया मुझे, मेरे ट्रैवल डेट्स एक्सपायर हो चुकी हैं। अगर आपने नया ट्रैवल प्लान दिया है तो आपने मेक श्योर करना था कि उसके अंदर आपने न्यू ट्रैवल डेट्स देनी थी, यानी कि अगर अभी आप वेब फॉर्म रेस कर रहे हैं तो नया जो ट्रैवल प्लान है उसमें आपने अगस्त और सितंबर की डेट्स देनी है, तो वो तो एक्सपायर नहीं हुई। लेकिन अगर आपने जो वेब फॉर्म रेस किया और उसमें ट्रैवल डेट्स नहीं दी तो ये आपने गलती किया। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ जब भी आप वेब फॉर्म रेस करें उसमें नई ट्रैवल डेट्स जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुएब का। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, हाउ कैन आई रिफंड T20 मैच टिकट इफ वीजा रिफ्यूज्ड। यूएसए का टूरिस्ट वीजा अगर आपने इस बेस पे अप्लाई किया कि वहां पे जाके आपने क्रिकेट मैचेस देखने हैं और क्रिकेट मैचेस के लिए आपने टिकटें ली हैं, तो वो रिफंड नहीं हो सकती, वो पैसे आपके जाया जाएंगे। अगर आपका वीजा रिफ्यूज, अगर वीजा लग गया तो फिर तो आप उधर जाके मैचेस देखें, लेकिन अगर नहीं लगा तो फिर वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे आपको। पीटीए लाहौर का क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई, मुझे सऊदीया में एक साल से ऊपर हो गया है और अब कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, वर्क वीजा ठीक रहेगा या विजिट वीजा? थैंक्स। अगर आप कनाडा में आके काम करना चाहते हैं तो जारी सी बात अगर आप उधर से वर्क वीजे पे आए, लेकिन वर्क वीजा आपने मेक श्योर करना है कि ओरिजिनल वर्क वीजा हो, क्योंकि बहुत सारा स्कैम हो रहा है। वर्क वीजा इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। आंटी नाला साहब के अंदर बहुत सारी प्रोफेशनल स्किल्स हो, बहुत सारा आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो फिर ठीक है, वर्क वीजा मिल सकता है। ठीक है, तो मेक श्योर करें वर्क वीजा अगर ओरिजिनल है तो फिर वर्क वीजा पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक्सप्रेस एंट्री पूल में अकाउंट है तो क्या विजिट वीजा के लिए उसे निकालना पड़ेगा? निकालने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सप्रेस एंट्री वाला भी आपका प्रोसेस वो चलता रहेगा और एट द सेम टाइम आपका टूरिस्ट वीजा भी अप्लाई करें, वो भी प्रोफाइल आपकी एट द सेम टाइम चलती रहेगी, कोई इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अगर वालिद वालिद के नाम पे स्कूल हो तो वो शो कर सकते हैं? जी, वालिद ने टूरिस्ट वीजा पे नहीं जाना, आपने जाना है, तो फिर आपने अपना प्रॉपर्टी अपना बिजनेस शो करना। और प्लाट अगर सेल किया हो तो क्या वो शो कर सकते हैं? अगर स्टैम्प पेपर पे हो, आपको आपकी बातों में वजन है। देखें, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, प्लाट है, कुछ भी बिजनेस है, अगर वो आप बेच के बैंक स्टेटमेंट बना रहे हैं या कवर लेटर में ये मेंशन कर रहे हैं कि हमने सारी प्रॉपर्टी सेल कर दी, हम टूरिस्ट वीजा के लिए आ रहे हैं, तो ये वीक टाइज आएगा। ये जो आपकी प्लॉट होता है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, ये आपके टाइज में आता है। अगर वो बेच के आप इधर आ रहे हैं तो वीजा आपका रिफ्यूज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो मेक श्योर करें ये जो प्रॉपर्टी, प्लॉट, बिजनेस, ये सारा आप एज ए टाइज यूज करें। कुछ लोग प्लॉट बेच के बैंक स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट तो अच्छी बन जाती है लेकिन टाइज आपके वीक हो जाते हैं। तो ये जो लैंड है ना, इसको एज ए टाइज, ये बच्चे, लैंड, जॉब, प्रॉपर्टी, ये सारा टाइज में आता है। तो इसको बेचना नहीं है आपने, इसको एज ए टाइज यूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयान खान का। सलाम वालेकुम। सलाम, आई एम वर्किंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बट इन कवर लेटर आई मेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एंड इन एनओसी लेटर आई मेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा? आई हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन ऑलरेडी। यार ये छोटी छोटी बातें हैं, ये थोड़ा सा जो फर्क आ रहा है ना, ये कोई इशू नहीं है। दूसरी चीजें मैटर करती हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसी है, आपके टाइज कैसे हैं, तो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये छोटी छोटी जो आप बता रहे हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, एक डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है, दूसरे में ये लिखा हुआ है, ये कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये थे आज के क्वेश्चंस एंड और उसके आंसर्स। मजीद किसी के दिमाग में या दिल में कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। किसी को मेरी हेल्प चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल भी है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।